ओवैसी ने हमले के तुरंत बाद क्या कहा, उन्होंने खुद यह जानकारी दी और उस जानकारी के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा यहां पर भूचाल सा आया, बड़ी खबर आई कि ओवैसी की जान कौन लेना चाहता है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने क्या कहा, ओवैसी की जुबानी हमले की कहानी, मेरी गाड़ी को टारगेट कर गोलियां चलाई गई, छिजारसी टोल पर हमला करने वाले 3 से 4 लोग थे, 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, तो अगर 3 से 4 लोग थे तो हो सकता है और गिरफ्तारियां हो। टोल गेट पर कुल 4 राउंड फायर हुए, ये ओवैसी ने बताया, और उन्होंने कहा कि हमले में मेरी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए और इसके बाद थोड़ी दूर आगे चलकर फ्लाईओवर पर जाकर मैं रुका, दूसरी गाड़ी में बैठकर मैं दिल्ली पहुंचा। ये ओवैसी ने कहा हमलावर शायद रेकी करके कार फॉलो कर रहे थे, अल्लाह ने हमें बचाया और किसी तरह हम खैरियत से हैं, ये कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। त्यागी जी को लाते हैं, त्यागी जी आपने AIMIM को सुना, आपने बीजेपी को सुना, आपको लगता है कि ये मुद्दा अब प्रचार चुनाव प्रचार के दरमियान को की आया है और पहले चरण की वोटिंग अब ज्यादा दूर नहीं है, इसका असर कुछ होगा चुनावों पर? देखिए ये काम तो अब जनता तय करेगी कि उसके दिमाग पे किस चीज का असर है। जहां तक बात है लॉ एंड ऑर्डर का, देखिए लॉ एंड ऑर्डर के मामला जो है पब्लिक के मन में भी डर बैठता है ऐसी बातों में। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक बात है तो पब्लिक में इन सब बातों का डर बैठता है, लेकिन उस बीच किसको जिम्मेदार ठहराए त्यागी जी, जब चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ हो? तो मुद्दे बहुत सारे हैं साथ कि 100 रुपए का सरसों का तेल 200 में बिका, गंगा में लोगों ने लाशें बहती हुई देखी, रोजगार आज आम आदमी बहुत परेशान है, इन लोगों ने 2017 में वादा किया था कि 3 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली का दाम लिया जाएगा, 5 साल इन्होंने जनता को लूटा, 7.5 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली की अदायगी जनता ने। लेकिन त्यागी जी आपको लगता है कि जब जान की बात आती है तो ये सारे मुद्दे पीछे चले जाते हैं, जब किसी को अपनी जान की पे खतरा दिखता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी पर ये जो चली है गोली, क्या ये उत्तर प्रदेश चुनाव का नैरेटिव कुछ चेंज करेगी, आपको लगता है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? चलिए त्यागी जी, आप तक लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अवस्थी जी आप तो, आपसे भी यही सवाल है, क्या आपको लगता है कि यूपी चुनाव में इसका फायदा नुकसान होगा? गौरव जी, हिंसा का स्थान बिल्कुल नहीं राजनीति में होना चाहिए, लेकिन मैं आपकी एक 80/20 की जो आपने एक थ्योरी को गठित करने का प्रयास किया, मैं उसमें साफ साफ कहता हूँ ये 80% उन लोगों की बात करी गई थी जो डेवलपमेंट पसंद करते हैं, जो देश की विचारधारा के साथ चलते हैं, 20% उनका कहा था जो डेवलपमेंट चाहते ही नहीं है, जो चाहते हैं कि बिल्कुल जो है देश आगे बढ़े नहीं, तो इसलिए कोई धर्म से बात करने की बात आप 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 इसको चाहे जैसे इसका विश्लेषण करिए, चाहे जैसे डिफेंड करिए, सोसाइटी में और ग्राउंड पर क्या मैसेज है हम सब जानते हैं। अब हज हाउस और मानसरोवर भवन से आप किसको क्या मैसेज दे रहे हैं हम सब जानते हैं। मैं पूछ रहा हूं, चलिए आपकी कोई भी चुनावी रणनीति हो, आप किसी को भी चुनावी रणनीति के तहत आप जो भी आप मैसेज देना चाहें, या आपकी पार्टी का विशेषाधिकार है, हम उसमें कुछ नहीं होते उसमें उसको डिसाइड करने वाले, लेकिन मेरा यह पूछना है जो आरोप अजमल खान लगा रहे हैं, धर्म संसद के मामले हो, इसके पहले कुछ और मामले हो, क्या वाकई माहौल क्या इस तरह की धर्म से जुड़ी राजनीति के तहत खराब हो रहा है, और किसी क्या इसीलिए ये ऐसी नौबत आ जाती है? क्या हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे आप हो चाहे AIMIM हो, हमें धर्म को राजनीति से अलग नहीं रख देना चाहिए? मैं कहता हूं हेट स्पीच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अजमल खान साहब को यह भी बताना चाहिए कि जब उन्होंने कहा था कि हम 20% है और हम 100% के लोगों को जो है हम संभाल लेंगे, पुलिस को हटा दिया जाए, वहां पर यह भी देखना चाहिए जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कहा जाता है कि जो है वहां तो सेना जो है खाली जो है पेड़ गिरा के चली आई उस समय, और याकूब मेमन और अफजल गुरु की फांसी पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं, क्या वो आतंकवादी नहीं थे, क्या उनकी वजह से कई लोगों की जाने नहीं गई है? तो इस तरह की बात भी जब AIMIM जब कहती है तो उनको सवाल आपको पूछना चाहिए उनसे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।